अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ अचीवमेंट पॉइंट मिल जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और प्लस आपको अचीवमेंट वाले सेक्शन से वाउचर जो 10 स्पिन का बिल्कुल फ्री मिल रहा है वो आप कलेक्ट कर लो, तो ये अचीवमेंट बिल्कुल आपके लिए ही बना है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। ये अचीवमेंट अगर आप काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हो गेम तो ये आपका कम्प्लीट हो गया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नहीं कम्प्लीट हुई होगी वो आप चेक कर लीजिए 100%। वो है क्रॉसबो हो गया हो या फिर पिस्तौल हो गई। क्रॉसबो मोस्टली क्रॉसबो से आपका नहीं हुआ होगा, वो मेरा खुद भी नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मैंने क्रॉसबो से कंप्लीट नहीं किया है। मेरा एसएमजी का हो गया है। पिस्तौल से 10 बंदे किल करने हैं, एलएमजी से किल करने, स्नाइपर से किल करने, एआर से किल करने, शॉटगन से, मिली वेपन से, क्रॉसबो वाला सिर्फ 2 हुआ है। 8 बंदे मुझे क्रॉसबो से मारने हैं, सही है जी। तो जाकर के मेरा ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एक अवतार फ्रेम मिल जाएगा और 20 अचीवमेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको सोलो लगा लेना है, प्लैटिनम टीयर आपका होना चाहिए और आपको क्लासिक मैच लगा लेना है। बट क्लासिक में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि नूसा मैप लगाइएगा। अगर आप क्रॉसबो के लिए खेलना चाहते हो तो आप नूसा मैप लगा लो। नूसा मैप में काफ़ी सारी क्रॉसबो आपको मिल जाती है, कहीं भी पड़ी हुई मिल जाती है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, वहाँ पर बॉट भी आपको देकर जाता है, वहाँ से भी मिल जाती है। तो ये वाला अचीवमेंट आपका ईजिली हो जाएगा। मैं अभी 8 किल करने जा रही हूँ आपके सामने क्रॉसबो से। क्रॉसबो से क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने चिकन मास्टर का टाइटल कंप्लीट किया था, उसमें क्रॉसबो का था, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हम यहाँ पर जंप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिकॉल था तो मैंने कहा यहीं पे जंप कर लेती हूँ, अगर एक आधा बंदे मर जाते तो कोई गलती नहीं है, सही कह रही हूँ। उसके बाद अब क्रॉसबो ढूंढ लूँगी या फिर अगर मर जाती तो रिकॉल होकर आ जाऊँगी। अब ऊपर बंदा है, पहले मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा बहुत लूट कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी की बातें बताती हूँ कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यार मुझे काफ़ी टाइम से सर्दी हो रखी है और वो ठीक ही नहीं हो रही है, मुझे सर्दी का यही मसला है। यहाँ पर सामने के साइड में पहले इसको किल कर लूँ, किल अच्छी लगी तो लाइक करना। देखा गाइस, एक लाइक तो बनता है इसके ऊपर, काफ़ी बढ़िया किल थी, है कि नहीं। ओके सो कंटिन्यू करते हैं। अभी भी हमें क्रॉसबो मिला नहीं है। क्रॉसबो से 8 बंदे किल करने हैं और आपको ना एक ही मैच में नहीं कंप्लीट करने, आपको इसी भी मैच में कर सकते हो, ये अच्छी बात है। वो पिछला वाला जो मैंने अचीवमेंट बताया था ना, उसमें एक ही गेम में आपको लास्ट वाले बंदे को क्रॉसबो से किल करना था, ठीक है, वो वाली गन से, तो वो नहीं मेरे से हो पाया। आपने वो वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर। तो अब जो है ये वाला थोड़ा आसान है, इसमें आप कभी भी बस क्रॉसबो से किल करना है 10 बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ लेती हूँ, एक सेकेंड, अभी जाइएगा मत, क्रॉसबो के अलावा और जो मैंने गन्स बताई है सबसे आपको 10-10 किल करनी है। ओ भाई साहब, मुझे तो लगा ये बॉट है, बट ये बॉट नहीं था। नूसा मैप खेलो ना, सर दुख जाता है यार, टप 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 टप, इधर कभी उधर खाली बॉट ही भरे रहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप आओगे ना तो अच्छी बात ये है कि आपको क्रॉसबो जो है यहाँ पर शॉप से मिल जाती है। तो अगर आपको ढूंढना नहीं है ना तो आप क्रॉसबो आकर के शॉप से ले सकते हो, पड़ी हुई मिल जाती है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्रॉसबो रिडीम कर लिया, अब हम चलते हैं क्रॉसबो से किल करने। तो साउंड आई, बंदा यही कहीं है, एम करके रखते हैं, पक्का आएगा एम पर। आगे चलते हैं, लेट्स सी कहाँ पर है वो। यार दिक्कत यही होती है, पता नहीं चलता है बॉट है या रियल बंदा है। मैं तो ऐसी मारी जाती हूँ, बॉट सोच के किल कर देती हूँ, पता चलता है कि वो रियल बंदा है। अभी देखो ये बॉट फायर कर रहा है ना, इसका मतलब अभी भी आपको नहीं समझ रहा है कि ये बॉट है, बट ये बॉट था। एक किल हो गया क्रॉसबो से, अब आपको ऐसे ऐसे 10 किल करने हैं। अगर आपने एक आधा करके रखा होगा ना तो वो बात अलग है, ठीक है। अगर आपने एक आधा करके रखा है तो वो माइनस हो जाएगा, बट आपको वहाँ पर 10 शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक बंदा है, अभी देखिएगा, ठीक है। देखो वो भी बॉट ही लग रहा है मुझे, नहीं नहीं बॉट नहीं है गाइस, देखा, अच्छा प्लेयर है यार। अब ओरे यार क्या साफ बचा, नहीं नहीं इधर ही है, इधर ही है। एक लाइक बन जाया क्या यार, ये मरते नहीं है बंदे क्या, क्रॉस क्या सीन है, किसी और ने किल चोरी कर ली क्या मेरी, समझ नहीं आया क्या सीन हुआ। यहीं पर है, बट मारूंगी तो मैं क्रॉसबो से ही, फिर बच गया। अब एक और एक, जब तक ये क्रॉसबो लोडिंग होगी ना गाइस मेरी पेटी बन जाएगी। छुप के बैठा इधर पे, मेरी किल भी चोरी कर लिया। अच्छा अच्छा खासा मैं उसको इतना डैमेज देती थी ना क्रॉसबो से, अब वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, एक गोली दे करके इसने वो कर दिया। यहाँ पर छुप के बैठा है, ये देखो कैंपिंग लेवल देख चुके। लेकिन क्रॉसबो से ही मैं मारूंगी, मैं तो गन नहीं यूज़ करने वाली हूँ, लेट्स सी मरता है या नहीं। कोई ना,
यार ये क्या किया मैंने यार, ये गलती से डाब करके मैं उधर ही चली गई। खैर वापस से जंप करते हैं, ठीक है, और इधर ही जंप करते हैं, ढूंढते हैं वो बंदा कहाँ है। पहले गन ले लेते हैं। कितने सारे बंदे आए हैं, देख रहे हो गाइस कितने सारे बंदे आए हैं। नूसा मैप कोई भी अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए ना बेस्ट होता है। एक सेकेंड, यही था क्या जिसने मुझे मारा है? एक मिनट देखने दो गाइस, यही वाला, यही बंदा है क्या? नहीं, ये तो नहीं लग रहा है मुझे, यही था क्या? पता नहीं, बट ठीक है मैंने किल कर दिया। ओके अब दो किल मैंने क्रॉसबो से कर लिए, उसके पास मेरी क्रॉसबो पड़ी है, यही था मुझे लग रहा है। और वापस से चलते हैं, एक आधा और किल करते हैं और मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ लाइव कि किस तरह से मैंने क्रॉसबो किया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, नूसा में मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, जबकि मैंने काफ़ी सारे नूसा मैप में अचीवमेंट कंप्लीट किए हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि नूसा मैप में स्टार्टिंग में आप जाओगे ना तो आपको रियल बंदे मिलेंगे, लेकिन अगर आप कहीं होल्ड करके रखते हो थोड़ा टाइम के लिए और वेट करते हो ना कहीं पर, उसके बाद आपको बॉट मिलेंगे। आप कहीं पर भी सोए पड़े रहोगे ना तो आपको बॉट ईजिली वहाँ पर आ जाएंगे, बस आप कुछ हिलना डुलना मत, समझ रहे हो? ऐसे कंप्लीट करोगे ना तो ये अचीवमेंट हो जाएगा। अभी देखो ये बॉट ही लग रहा है मुझे, तो इसको जाके किल करते हैं। ये देखिए, और क्या कोई इसका डैमेज किसी ने कम किया है क्या गाइस? देखो ना ज़रा, इतने डैमेज पड़े थे उधर पे, फिर भी बंदा मरा नहीं था। तो हमारा 3 किल हो चुका है क्रॉसबो से। फिर आते हैं इधर पे जहाँ जहाँ बॉट है। देखा मैंने आपसे कहा था ना लास्ट में सब बंदे अलाइव होंगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बॉट मिलेंगे। ये बंदा रियल है या बॉट है पता नहीं, देखते हैं। ओ भाई, ओ भाई साहब, रियल था ये तो, अपने इंडिया का है ये यार। लेकिन किल तो मैंने अच्छा किया ना गाइस, एक लाइक तो बनता है उसके ऊपर। मुझ ऐसी गलतियां होती हैं मुझसे, देख रहे हो ऐसी गलतियां होती हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, मुझे समझ के आता है कि ये बॉट है। लेकिन मैंने बॉट पर ना PhD कर रखी है, ऐसा नहीं है इसको, ये बॉट है, इसको किल करते हैं। देखा इस तरह से आपको किल करना है, पहले आप गन यूज़ कर लो और आपको लग जाए कि ये बॉट है, उसके बाद रोक करके फिर आप जो है क्रॉसबो से किल कर दो। तो हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ साउंड आ रही थी, देखो इजीली हो गया। अब उसके पीछे जो बंदा है ना वो मुझे लग रहा है कि रियल बंदा है, ये यहाँ पर है। ओ भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि क्रॉसबो की एक गोली से बंदा मर गया, नहीं तो पीक लेते रहती हूँ, लेफ्ट राइट और खुद ही लॉबी में मिलती हूँ मैं। मैंने PhD कर रखी है गाइज कैंपिंग में, मैं पहले कैंपिंग की वीडियोस ही बनाया करती थी कि कैंपिंग की ट्रिक कैसे की जाए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा मेरा गेम इम्प्रूव हो जाएगा एंड देन मैं प्रो बनने वाली हूँ, ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर देखो हमने 6 किल कंप्लीट कर लिए, तो कुछ और बची हुई है वो करते हैं। और कुछ मैंने अलग मैच में कर लिया है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं जब आपको आखिरी वाला है ना ये मैं आपको शो कर रही हूँ, पूरा वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगी यार, बोर लग। अब कुछ यहाँ पर देखो रिमेनिंग 7 बंदे अलाइव है, मतलब मुझे हटा करके 6 और हैं। तो अगर एक आधा किल और क्रॉसबो से मिल जाता है तो हमारा इसी वाले वीडियो में ना, इसी वाले गेम में हमारा जब सामने बंदा है, मुझे ऐसा लग रहा है बॉट है, बॉट वाला प्लेयर है, ठीक है नहीं पता, इसको तो मैं क्रॉसबो से ही किल करूँगी। अभी देखना ये किल, देखना गाइस ये क्या था, ये क्या ग्लिच है, मैंने तो किल किया नहीं इसको। मेरे ख्याल से ये ग्लिच चल रहा है कुछ क्रॉसबो का, पता नहीं गाइस, दो लास्ट वाले 2 बंदे में ऐसे ही हुआ मुझे। लेट्स सी अपना क्या अचीवमेंट कुछ कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है। बैक जाते हैं। यू कंप्लीटेड द अचीवमेंट परफेक्ट टेनिस, बट मैंने पूरा किल नहीं किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये हो गया इतना, पूरा किल नहीं किया था। तो आप भी ये ट्राई करना, एक आधा किल कर रहे हो ना तो भी ये काउंट हो जा रहा है, ऐसा मैंने सुना था, इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि इसमें मुझे पूरा किल नहीं करना पड़ा। आपने देखा ना मैंने कितने कम किल किए फिर भी मेरा ये वाला अचीवमेंट हो गया। आपको अवतार फ्रेम मिलेगा, ये वाला 100 लिखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब आपने टोटल कुल 100 किल कर लिए, लेकिन मैंने पूरा 100 नहीं किया है, वो ग्लिच शो कर रहा है, मैंने सिर्फ थोड़ा ही क्रॉसबो से किल किया है। आप पहले चेक कर लो कि आपने किया है या नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है अचीवमेंट वाले सेक्शन में, ऑनर में, जैसे आप यहाँ पर आओगे फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, देखो ये गन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको जैसे ओपन हो
उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपने उसमें से कितने अचीवमेंट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वाइप अप कर लेना है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही था कंप्लीट डिटेल अबाउट परफेक्ट टेनेक्स। अगर आप एक टेनेक्स आप ट्राई कर लेना, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गन वाले सेक्शन में कि आपने कितना कंप्लीट किया। मोस्टली आपका क्रॉसबो का रह गया होगा, क्रॉसबो वाला कर लो, और अगर SMG या पिस्तौल का होगा तो सेम एज इट इज़ कर लेना। नूसा में जाना और शुरू के जो पॉइंट्स रहेंगे ना, शुरू के जो टाइमिंग, उसमें होल्ड कर लेना। एंड में ना आपको एक आधा बंदे मिलेंगे जो रियल होंगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा बॉट मिलेंगे जो एंड तक के जाते हैं नूसा मैप में, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी। बाकी अगर आपने ये वाला अचीवमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर क्लिक करके चेकआउट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। टेक केयर।